तो गाइज यहाँ पर अभी आप इस वीडियो में देख सकते हो मैंने कैसे एकदम नॉर्मल फेस पे स्माइल एंड लाफ वाली फिल्टर अप्लाई कर दी है। तो मैंने एक नॉर्मल फोटो पे एक्सप्रेशन कैसे ऐड की वो उसी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ गाइज। तो वीडियो पूरी देखें और एक भी स्टेप मिस ना करें क्योंकि वीडियो बहुत खास होने वाली है। क्योंकि अगर आपकी स्माइल अच्छी नहीं है तो आप एडिटिंग से एकदम अच्छी तरह रियल वाली स्माइल लगा सकते हो। मेरी भी स्माइल अच्छी नहीं है, मैं इससे स्माइल ऐड करता हूँ गाइस। तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, तो वीडियो पूरी की देखें। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। तो हाँ गाइस, यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ, ये मैं कोई ये फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन से नहीं करूँगा। यहाँ पर मैं आपको सिंपली वीडियो एडिटिंग कैपकट एप्लीकेशन से ही करके दिखा दूंगा। यहाँ पर इसमें बहुत अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं क्योंकि इसमें यहाँ पर कोई आपको एड देखने को नहीं मिलती या फिर वाटरमार्क भी देखने को नहीं मिलता। तो कैसे करना है उसी के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको कैपकट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने डाउनलोड करके रखी है। आपको ये प्ले स्टोर पर नहीं मिलेगी तो सिंपली आपको इसे क्रोम से डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद इसको ओपन कर देना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको वीपीएन कोई भी ऑन कर लेना है। यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी वीपीएन है तो मैं यहाँ पर वीपीएन ऑन कर लेता हूँ। आप यहाँ पर कोई भी वीपीएन ऑन कर सकते हो। यहाँ पर मैंने वीपीएन टोमेटो मेरे पास है तो यहाँ पर मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं आपको सब वीपीएन ऑन करके कैपकट ओपन करके दिखा देता हूँ इसके बाद क्या सेटिंग करनी है। तो यहाँ पर वीपीएन भी ऑन हो चुका है तो अब आपको कैपकट ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको न्यू प्रोजेक्ट वाला ऑप्शन पे दबा देना है। इस पे दबाने के बाद आपको अपनी फ़ोटो सिलेक्ट कर लेनी है जिसे आप एडिट करना चाहते हो। तो यहाँ पर मैंने अपनी वो वाली फ़ोटो सिलेक्ट कर ली है जिसे अभी मैं आपको एडिट करके दिखा दूंगा। मैंने आपको पहले बताया था वही वाली एकदम नॉर्मल फ़ोटो। यहाँ पर आप देख सकते हो इस फोटो में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, लाफ नहीं है या फिर स्माइल नहीं है। तो इसमें मैं आपको एडिटिंग करके दिखा दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको फर्स्ट स्टेप करना है, इसे फोटो को दबा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा क्यूब जैसा, तो आपको सिंपली उस पर दबा देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप वो सब भी एडिटिंग कर सकते हो। पर यहाँ पर हमारा मेन टॉपिक स्माइल एंड लाफ वाला है तो उसी के बारे में बताऊँगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले चार वाले ऑप्शन पे स्माइल करके ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको सिंपली कोई भी एक कर लेना है। यहाँ पर मैं स्माइल वाला ऑप्शन, आपको जो अच्छी लगे स्माइल उस पे दबा देना है। यहाँ पर मैं आपको दो स्माइल तीन स्माइल का सभी मतलब सभी सभी स्माइल आपको दिखा दूंगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हो हमारा एक ऑप्शन तो अप्लाई हो चुका है। अगर आप चाहो तो इसे फुल स्क्रीन में करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेते ही ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी, आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके बाद यहाँ पर मैं आपको दूसरी और इफेक्ट दिखा देता हूँ। यहाँ पर जनरेटिंग में आपके पास से थोड़ा टाइम लेगा पर ये वर्थ इट होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एकदम एकदम मतलब स्माइल है। पिछली वाली हमने देखी थी वो लाफ वाली इमेज थी, यहाँ पर नॉर्मल इमेज है। यहाँ पर आप डिफरेंस तो देख ही सकते हो सभी इमेज में, मतलब एकदम रियलिस्टिक लगती है और आपका फेस भी एकदम अच्छा लगता है। ये लाफ वाली है, ये स्माइल वाली, और नॉर्मल वाली तो मैंने ये दिखाई थी वही है। तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे अपने फेस पे आप लाफ या फिर स्माइल लगा सकते हो। तो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए गाइस मिलते हैं कौन नहीं वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करना ना भूले।